हेलो बच्चों, आप कैसे हैं? हाँ, रोज आप एक नई नई कहानी को सुनते हैं ना? हाँ, आज भी मैं आपके लिए कहानी बोलने के लिए आया हूँ। ध्यान से सुनिएगा। सुनील और अनिल नाम के दो अच्छे दोस्त थे। दोनों अच्छे पढ़ाई करते थे। सुनील जो है अच्छा पढ़ाई करता था, पर अनिल के जीवन में जो था एक प्रकार का डर रहता था। वो हमेशा सोचता था कि ये चीज़ मुझसे नहीं होगा, ये चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, और ये डर उसके अंदर धीरे 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 रहता था। वो डर के चलते क्या हुआ, जब उन लोगों का परीक्षा आया, उस परीक्षा में सुनील ने तो अच्छा से लिखा, परंतु अनिल जो है उस परीक्षा का विचार से कुछ दिन बीमार रहा। और ना केवल बीमार रहा, वो परीक्षा को ठीक से नहीं लिख पाया। और उसका नतीजा क्या हुआ बच्चे, मालूम है? सुनील पास हो गया और अनिल जो है फेल हो गया। इसी के लिए आपके जीवन में भी सकारात्मक सोच जो है आपके पास रहने की आवश्यकता है। जब आपके पास सकारात्मक सोच रहेगी तो आपके लिए सारी बातें जो है अच्छी दिख पाएगी। इसी के आधार पर आज मैं आपको एक बाइबल का कहानी बोलने जा रहा हूँ। आपको पता है परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 6 लाख केवल पुरुषों को फेरौन राजा के हाथों से छुड़ा कर उनको निकाला। परमेश्वर ने मूसा को वायदा किया कि मैं तुम लोगों को एक बहुत अच्छा सा आशीष का एक देश दूंगा। उस देश का नाम है कनान। और एक कनान देश कैसा था, जिसमें दूध, मधु, सेहत, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें रहती थी। उस समय में मूसा ने 12 लोगों को इकट्ठा किया और 12 लोगों को कहा, सुनिए सुनिए, हमें परमेश्वर एक देश देने जा रहा है। उस देश का नाम है कनान। वो हमारे सामने पड़ा हुआ है। उस देश में जाकर वहाँ के लोग, वहाँ की बोली भाषा, वहाँ के लोगों का चाल चलन ये कैसा है, इसको थोड़ा देख कर आइएगा। उस 12 लोग उस कनान देश में गए। कनान देश में जाकर इधर उधर उस देश को देखने लग गए। उस समय कुछ लोगों ने क्या किया बच्चे, मालूम है? दाख, दो पुरुषों ने दाख की एक डाली को, दाख का जो गुच्छा रहता है, उस गुच्छा को तोड़कर, दो पुरुषों ने एक दाख का गुच्छा को तोड़कर अपने ऊपर लाद कर लेकर आया। उसी को उन्होंने वहां नाम रखा एशकॉल। उसी 12 लोगों में से 10 लोग अपना अगुआ मूसा के पास आ गए और मूसा के पास आकर वो कहने लगे, वहां के लोग बहुत बलवंत है, वहां के लोग हमसे बहुत अतिशय ताकतवर है, उन लोगों से हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे, उन लोगों से वो देश हमें कभी भी नहीं मिल पाएगा। इस तरह का एक नकारात्मक विचार लेकर 10 लोग मूसा को कह दिए। पर उसमें से दो जवान, जिनका नाम यहोशू और कालेब था, यहोशू और कालेब ने कहा, मत डरिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस देश को देने का वायदा किया है, तो परमेश्वर हमें इस देश को जरूर देगा। वहाँ की परिस्थितियों को, वहाँ के लोगों को मत देखिए, परमेश्वर ने जो वायदा किया है उस वायदे को देखिएगा। और बच्चे, आपको पता है जो 10 लोग नकारात्मक सोच लेकर अपना अगुआ मूसा को बोले थे, उसी के चलते 4 दिन का सफर था। हाँ, उस कनान देश में पहुंचने के लिए केवल 4 दिन का सफर था। उस 4 दिन का सफर के लिए उन लोगों को 40 साल तक जंगल में रहना पड़ा। जी हाँ, 40 साल तक जंगल में रहना पड़ा। उस जंगल में उनकी कई एक कठिनाई, कई एक परीक्षाओं का सामना करना पड़ा। पर जैसे मैंने कहा, यहोशू और कालेब जो अच्छा सकारात्मक सोच बताए थे, यही दो जवान लोग
अंत में उसी आशीषित और परमेश्वर ने रखे हुए कनान देश में पहुंच पाए, पहुंच गए। इसी तरह से इस कहानी से प्यारे बच्चे हम ये सीखते हैं कि आपके जीवन में, मेरे जीवन में यदि सकारात्मक सोच रहेगी, आपके जीवन में, मेरे जीवन में उस सकारात्मक सोच के साथ हम विश्वास योग्यता के साथ आगे आगे प्रभु के आज्ञाओं को मानते चलेंगे, तो हमारे लिए जो आशीषित हर एक चीज़ है वो प्रभु हमको जरूर देगा। आइए बच्चे हम सब लोग प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तो विश्वास योग्य हैं और तू हमारे लिए एक योजना बनाया है, उस योजना को तू पूरी करता है। प्रभु जी हमारे सारे बच्चों के लिए, इस कार्यक्रम देखने वाले सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी योजना को तू पूरी करने पाए प्रभु, उनके जीवन की सारी नकारात्मक बातों को हटाकर तू उन्हें सारी बातों को सकारात्मक में चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तू उन्हें सहायता कर और मदद कर, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अगले कार्यक्रम को मिलेंगे, बाय बाय।